नहीं होगा बल्कि भारतीय जनता पार्टी का शक्ति प्रदर्शन भी होगा, क्योंकि जो 164 विधानसभा की सीटें पूर्वांचल में आती हैं, यकीनन आज गोरखपुर से अपनी ताकत दिखाकर बीजेपी उन सभी सीटों पर अपने प्रभाव को मजबूत करना चाहती है 2017 की तरह ही। गोरखनाथ मंदिर से तस्वीरें सामने आई हैं, आप देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हालांकि जब भी वो गोरखपुर पहुंचते हैं वो मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन आज मौका खास है, हवन पूजन की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जब हवन करते हुए मुख्यमंत्री की ये तस्वीरें सामने आई हैं। गोरखनाथ मंदिर से इस वक्त कुमार अभिषेक मेरे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कुमार, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री भगवान का आशीर्वाद लेते हुए बाबा गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए। आज का दिन बेहद अहम है, जब वो नामांकन के लिए निकलेंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे, एक तो उनका कार्यक्रम क्या रहने वाला है आज पूरे दिन का, और कौन कौन से बड़े नेता बीजेपी के आज नामांकन के इस दिन पर इसे और खास बनाने के लिए गोरखपुर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल चित्रा, आज बड़ा दिन है और निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए भी है, क्योंकि पहला विधानसभा चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं, 5 बार सांसद रहे हैं। हम इस वक्त मंदिर के बाहर हैं और मंदिर के भीतर की भी आप तक इस वक्त तस्वीरें देख सकती हैं, लेकिन एक जानकारी दे दूं, योगी आदित्यनाथ के 4 प्रस्तावक होंगे और 4 प्रस्तावक में विश्वनाथ रैदास मंदिर के अध्यक्ष हैं, उसके अलावा जो दलित समुदाय से हैं, इसके अलावा मयंकेश्वर पांडे हैं, शिक्षाविद हैं, सुरेंद्र अग्रवाल जो यहाँ के मशहूर व्यापारी हैं, और मंगलेश श्रीवास्तव, तो ये 4 लोग उनके प्रस्तावक हैं। मंदिर के में योगी आदित्यनाथ ने थोड़ी देर पहले अपना पूजा पाठ किया है, यहाँ से वो सीधे एमपी इंटर कॉलेज जाएंगे, वहां पर जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, जो लोगों को उन्हें ब्रीफ करना है, भाषण देना है, वहां का जायजा लेंगे और उसके बाद फिर एयरपोर्ट जाएंगे। एयरपोर्ट पर वो रिसीव करेंगे गृह मंत्री अमित शाह को, और फिर तमाम जो जितने बड़े नेता हैं वो सब आएंगे, जिसमें अमित शाह के अलावा धर्मेंद्र प्रधान होंगे, स्वतंत्र देव सिंह होंगे, ये सभी बड़े नेता हैं जो कि आज उनके साथ रहेंगे। उसके बाद जब पब्लिक मीटिंग होगी, उसके बाद वो वहां से बगल में जो कलेक्ट्रेट है वहीं पर जाकर आज नामांकन करेंगे। नामांकन करने के बाद मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और जो तमाम बड़े नेता हैं वो वापस मंदिर आएंगे, मंदिर में दर्शन पूजन होगा और फिर दिन का लंच होगा और उसके बाद फिर अमित शाह वापस जाएंगे। तो ये बड़े नेताओं के साथ आज उनके कार्यक्रम है, लेकिन आज का दिन बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि पूर्वांचल से आज जब वो अपना नामांकन करेंगे, उसके बाद तमाम सियासत की जो नजरें हैं वो पूर्वांचल की तरफ टिकेंगी कि आखिर योगी आदित्यनाथ कितना बड़ा असर डालेंगे। कब, यूं तो उत्तर प्रदेश में असर की बात है, असर होगा, लेकिन पूर्वांचल इस वक्त सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि निशाने पर है, और अखिलेश यादव की भी जो सबसे बड़ी ताकत है वो पूर्वांचल कही जा रही है। तो ये मंदिर, ये जो मठ है, ये इस वक्त कहीं ना कहीं राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र होकर उभरेगा और पूरे पूर्वांचल में इस मठ से जो सियासत की मठ से जो सियासत की शुरुआत होगी, चुनाव में उसका कितना इम्पैक्ट होगा, तमाम नजरें उस पर रहेंगी।